जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अर्चना, एक बाप के लिए ये बहुत तकलीफ की बात है कि उसका बेटा ऐसी सिचुएशन में हो। आई कॉन्ट हेल्प। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। आई नो इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मेरा दिल तो आज बहुत कर रहा है कि मैं हाथ बढ़ा के इसकी मदद करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मदद देने से इनकार कर देगा। हमारा बेटा बड़ा हो गया अब। I'm so proud of him। अब इनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, इसलिए डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में रखने से मना किया और यहाँ पे शिफ्ट किया। अर्जुन कैसे? पुलिस ने उसे ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं आई, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि आज पूरी रात उसे पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों? पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया है? आई, वो लोग कह रहे थे कि अर्जुन को जेल से छोड़ नहीं सकते। जब तक रहीम को होश नहीं आ जाता उसे फिलहाल यहीं रहना होगा। लेकिन बिना कुछ पूछताछ किए पुलिस उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? आई, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं अर्जुन को छुड़ा लूं, लेकिन पुलिस कहती है कि जब तक उस कार ओनर को होश नहीं आता तब तक वो उसे नहीं छोड़ सकते। देवा, अरे उस बेचारे ने मेरी इतनी मदद की और अब वो खुद मुश्किल में पड़ गया। अर्जुन, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हाँ आई, मैंने तुझसे कहा ना कि मैंने कोशिश की उसे छुड़ाने की, लेकिन पुलिस नहीं मान रही है। अब भाई पूर्वी कहाँ है? अरे वो तो तेरे साथ गई थी। हाँ, लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन से निकली तो वो मेरे साथ निकली थी हॉस्पिटल आने के लिए। तो फिर आई क्यों नहीं अब तक? वो इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ। हो सकता है उसे रिक्शा नहीं मिला होगा। आती हो? मैं एक बार फोन करके देख लेती हूँ। हाय, कहाँ है तू? आई, मैं हॉस्पिटल ही आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। पूर्वी, हम दोनों पुलिस स्टेशन से साथ निकले थे और तूने मुझसे कहा था कि तू हॉस्पिटल आएगी, लेकिन अब तक तू यहाँ ही नहीं है। आई, मैं तुझे हॉस्पिटल आके सब कुछ बताती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ। बाय। आ रही। तुम पूर्वी हो? यस मैम। सुकृति ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। इस एनवेलप में जमानत के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। तुम इन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे दो, अर्जुन को जमानत मिल जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, वो कैसी है रहीम की तबीयत? सर, रहीम को होश नहीं आया है। होश नहीं आया तो फिर मेरी जमानत किसने की? आपकी जमानत इस लड़की ने ली। ये लड़की मजिस्ट्रेट के पास से जमानत के पेपर साइन करा के लेके आई। मिस्टर अर्जुन, हम आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आए। इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ थे और जुर्म की सच्चाई को जानने के लिए हमें तहकीकात करना ही पड़ता है। इसमें कभी कभी बेकसूर लोग भी घसीटे जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस केस में जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग से इन्वॉल्व है, इसलिए तहकीकात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इट्स ओके सर,
आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वैसे अगर आपको आपको इस केस में मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी। ज़रूर, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख दीजिए और मेरा भी फ़ोन नंबर ले लीजिए ताकि कभी भी अगर हमें कुछ पूछताछ करनी हो तो उसमें सहूलियत हो। जी सर। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स पूर्वी, एक्चुअली तुम्हें ये सब मेरे लिए करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लेकिन तुम्हारी आई ने तुम्हें मुझसे मिलने से मना किया था ना, तो फिर तुम ये सब यूं। मेरी आई ने तुम्हें हमारे परिवार से दूर रहने के लिए भी तो कहा था ना अर्जुन, फिर क्यों तुमने मेरी आजी की जान बचाई? तो क्या करता, उन्हें ऐसे ही सड़क पे छोड़ देता? और मैं क्या करती, तुम्हें ऐसे ही पूरी रात यहाँ छोड़ देती? You know what, पूर्वी, आज से पहले हम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे और भी करीब महसूस कर रहा हूं। I swear, फिर भी आई थिंक कि आई के खिलाफ जाकर एक मिनट अर्जुन, मैं जानती हूँ कि कल सुबह तुम यहाँ से छूट जाते, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यूं सहते हुए देख के मैं चुपचाप बैठी रहती? अर्जुन, तुमने कोई गलती नहीं की, फिर भी तुम यहाँ ऐसे पूरी रात रहते, मैं नहीं देख सकती थी तुम्हें ऐसे। और मुझे तुम्हें सॉरी भी कहना था। सॉरी क्यों? अर्जुन, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, इतना कुछ सहते हुए तुमने मेरी आजी की जान बचाई, उनकी मदद करी। अर्जुन, पता नहीं अगर आज तुम नहीं होते तो आजी की मदद कौन करता? कुछ नहीं होता आजी को, कुछ नहीं होता। थैंक यू अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें पता है सह तुम रहे थे मगर दर्द मुझे हो रहा था, और इसीलिए मैंने हिम्मत करी और जाकर तुम्हारी जमानत के पेपर्स रेडी करवाए। अर्जुन, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकती, तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं बाहर आ गया हूं, है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं ना, तो फिर Everything is going to be okay. अर्जुन, मुझे जाना चाहिए, आज ही हॉस्पिटल में है ना? मैं छोड़ दूं तुम्हें? It is.
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।